नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विदिशा जतरापुरा में सरकारी योजना के तहत गरीबों के लिए राजीव आवास योजना के अंतर्गत छत से उतार कर घर के सामने रखी पानी की टंकी, पिछली परिषद में नपा ने आवास तैयार कराए। हर घर की छत पर पानी की टंकी रखकर नल कनेक्शन किए गए गरीब, लेकिन करीब 3 वर्ष बाद भी इन आवासों में नल से जल नहीं आया। रहवासियों ने पानी की टंकी छत से उतार कर घरों के सामने रख ली है, जिनमें वह पानी का स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी की शुरुआत में जल संकट गहराने लगा है, जिस कारण 250 परिवार पानी के लिए भटक रहे हैं। जानकारी के अनुसार झुग्गी मुक्त शहर बनाने जतरापुरा में 415 आवास बनवाए गए थे, जिनमें करीब 250 परिवार पिछले करीब 3 वर्ष से निवासरत हैं। इस आवास परिसर में बिजली, सड़क आदि सुविधाएं हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था अब तक दुरुस्त नहीं हो पाई। रहवासियों ने बताया है कि ये ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। सुबह मजदूरी कर जाना हो तो रात 3-4 बजे से पानी भरना पड़ता है। वहीं कई परिवार मजदूरी से लौट कर रात में पानी भरने के लिए भटकते हैं। गर्मी में जल स्तर नीचे जले जाने से ही ये समस्या और अधिक बढ़ जाती है। हैंडपंप होने पर परिसर के बाहर लगे हैंडपंप से पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। रहवासियों का कहना है कि उन्होंने नल कनेक्शन ले रखे, इसलिए पैसे भी नपा ने जमा कराए थे। घरों की छतों पर टंकियाँ भी रखवाई गई थी, लेकिन इन नलों में अब कभी पानी नहीं आया है। रहवासियों का कहना है कि आगामी दिनों में ये समस्या और अधिक बढ़ जाएगी। मेरा नाम रामवती विश्वकर्मा है। 4 साल से रह रहे हैं हम। ये समस्या यहाँ पे कचरे की गाड़ी नहीं आती है, कि नालियों में कचरा भरा रहा है, कीचड़ भरा रहा है, मच्छर हो रहे हैं और बच्चे बीमार हो रहे हैं। न झाड़ू लगाने आते हैं यहाँ पे, पानी भरा जाता है, पुलिया है यहाँ पर, रोड भी नहीं डल रहा है, जिससे कि है ना अभी बरसात में इतनी परेशानी आ जाती है कि हम लोग निकलने में भी दिक्कत आ जाती है। हमारा कहना ये है कि यहाँ पे कोई कर्मचारी रखा जाए, जिससे साफ़ सफाई हो, और वहाँ से नगर पालिका द्वारा गाड़ियाँ बुलवाई जाए, गाड़ी आए, कचरे की रखा जाए यहाँ पर, तो कचरा साफ़ हो, नालियाँ वगैरह रोड साफ़ हो। परेशानी हो रही है बस। मेरा नाम रेखा कुशवाहा है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में रहती हूँ। यहाँ पानी की बहुत समस्या है। हेडपम्प में हम इधर उधर भटकते हैं, हेडपम्प में पानी आता नहीं है ढंग से, और हमारे कनेक्शन करवा लिए और बिल भी दे रहे हैं और हमें पानी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। कहाँ से भरते हैं पानी का? पानी हम जी हेडपम्पों से भर रहे हैं। बहुत परेशान हो रहे हैं और गर्मी आ गई है तो और ज़्यादा परेशान, हमारे बच्चे तक परेशान होते हैं इसमें। आवास में ऊपर टंकियाँ रखी हुई हैं, उसमें कोई पानी नहीं आ रहा। टैंकर बुलाते हैं प्राइवेट, उससे भरवाते हैं वो। अच्छा, और क्या समस्या है यहाँ पे? और बिल भी आ रहा है बाकायदा नल का, और पानी दे नहीं रहे। बिल किस हिसाब से दे रहे हैं फिर वो? क्या पानी हम यही चाहते हैं, हमें पानी मिलने लगे और यहाँ पे साफ सफाई की वो थोड़ी। प्रीति मालवी, आवास योजना में रहते जतरापुरा सौराई। क्या समस्या आ रही है? पानी की है। हम लोगों कनेक्शन भी हो गए हैं, मगर 4 साल जब हम रहने आए थे उससे पहले ही हमारे कनेक्शन करवा दिए थे। और बस टंकियों में पानी नहीं आता, बरसात में टंकियाँ भी उड़ गई, बस दिखाने के लिए रखी कि हाँ टंकियाँ रखी हैं। और जाते तो बोले आश्वासन दिला देते, बोले करवा देंगे, हेडपम्प लगवा दे रहे, हेडपम्प से भर लो। अब गरीब लोग हैं, हेडपम्प से पानी भरते रहते, जब तक हम काम पर ही नहीं जा पाते हैं तो दिक्कतें आ रही हैं। सबके पास जाकर देख लिया, नगर पालिका भी कई बार गए हैं, बोलते कि हाँ करवा देंगे, बस इससे ज़्यादा। अभी हेडपम्प में बस भरते हैं, दूर दूर कभी ये खराब हो गया तो उससे भर लेते, वो खराब हो गया तो उससे भर लेते, दिक्कत जाती है। पानी नहीं मिलने से क्या परेशानी आती है? सारी परेशानियाँ हैं ना, जैसे हम काफ़ी दूर भी हैं यहाँ से, फिर काम पे टाइम पे नहीं जा पाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, यहाँ पे स्कूल की भी कोई, मतलब हर चीज़ की समस्या है। बस लगता है कि हाँ हमने आवास दे दिया है, मकान दे दिए हैं, और समस्या सब कुछ इधर आके कभी देखते नहीं कि क्या परेशानी है। मैं जल्दी ही उनकी जो है व्यवस्था, आपसे मुझे पता चला है तो मैं इसकी जल्दी व्यवस्था कराता हूँ, और पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी नागरिक पानी के अभाव में परेशान ना हो। सर, वो आवास लंबे समय से बने हुए हैं, कनेक्शन भी है, टंकियाँ भी रखी हुई हैं, लेकिन और पानी की टंकी बनी हुई सप्लाई के लिए, लेकिन इसके बावजूद चालू नहीं है वो, और बिल पहुँच रहा है पानी की। आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मैं उसकी जाँच करा के, जो आप कह रहे हैं कि 5 साल से पानी नहीं आ रहा है, अगर वैसी बात है तो मैं उसकी जांच करा लेता हूँ। वरना सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी यही है कि सबको पानी मिले, व्यवस्था करेंगे। वहाँ एक लाइन डलना है अभी, और उसका एस्टीमेट भी सेंक्शन हो गया है, वो मुझे लगता है कि 8-1 दिन में वहाँ लाइन डल के पानी की समस्या का स्थायी हल निकल आएगा। और अभी जो समस्या है पानी की, वहाँ पानी के टैंकर नगर पालिका उपलब्ध करा रही है, और मुझे लगता है कि 8 दिन में इस समस्या का समाधान हो जाएगा।
देखिए, नगर पालिका में टैंकर निःशुल्क जो है पानी वितरण करती है। किसी को अतिरिक्त अगर कोई कार्यक्रम है, कोई समारोह है किसी के यहाँ, तो वो जो है अगर वो पानी नगर पालिका से रसीद काट के लेना चाहे तो नगर पालिका भी देती है। वो प्राइवेट ठेकेदार से अगर लेना चाहे तो समारोह के लिए ले सकते हैं। वैसे आम जन के लिए नगर पालिका उपलब्ध करा रही है। देखिए, जत्रापुरे के हजारों लोगों ने अनेकों बार धरना प्रदर्शन आंदोलन किए नगर पालिका के सामने, कलेक्ट्रेट के सामने अनेक। मैं वहां का चूंकि पार्षद रहा हूं पहले, हर आदमी वहां का मुझसे जुड़ा हुआ है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में उनको छोटे छोटे से मकान बनाकर दिए हैं, सुविधा विहीन मकान है, किसी भी प्रकार का उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। पानी की समस्या भयंकर भयावह खड़ी है। जो टंकी बनाई गई है उस टंकी का पानी घर घर में नहीं आ पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ झूठ बोलने और वोट लेने के लिए उन्हें बरगला रहे हैं, उन्हें से झूठ बोल रहे हैं कि लोकसभा के पहले 8 दिन में उनको सुविधाएं मिल जाएंगी। जब वर्षों से 8-10 सालों से वो सुविधा के लिए वंचित हैं तो 8 दिन में उन्हें कैसे सुविधा मिलेगी, ये संभव नहीं है। और जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ हमारे जत्रापुरे के उन क्वार्टर में रहने वाले गरीब भाई बहनों के परिवार वालों से कि वह किसी भाजपा के नेता की बातों में ना आए और लोकसभा के बाद जमीन पर संघर्ष करने के लिए तैयार रहें और कांग्रेस पार्टी को वोट दें। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।